Hello friends, welcome back. My name is Khalik sir and you're watching me on English with Khalik sir. Guys. Guys, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इससे पहले हमने इस सीरीज़ पर 3 वीडियोस अपलोड करी हैं. आई होप कि आपने उसको देखा होगा, आपने उसको एंजॉय किया होगा. अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको पूरा पूरा कंप्लीट देख लीजिए ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आवे, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए. ओके गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले, आप कुछ सीख सकें. ओके गाइज, कामयाबी हमें अचानक से नहीं मिल जाती है. हम ऐसा नहीं हो सकता है कि रात को सोए और सुबह को उठे तो बिल्कुल हम कामयाब निकलते हैं, अरे हम तो कामयाब हो गए. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. हम हमेशा सोचते हैं कि हम सक्सेस होंगे, कामयाब होंगे, 2022 में होंगे, 2025 में होंगे, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हम कंटिन्यूस लगातार कोई काम अगर करेंगे तभी जा करके वो चीज़ हमें कामयाब बनाएगी. और वो चीज़ छोटी छोटी होती है. जिस तरह एक इंसान घर बनाता है, उस घर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो क्या होती है? ब्रिक्स होती है, ईंट होती है. एक ईंट मिलकर के वो जब जुड़ता है तो जाकर वो एक घर बनता है. ओके, उसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी कामयाबी ऐसी होती है कि छोटी छोटी चीज़ें जब हम सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वही चीज़ हमारे क्वालिटी में ऐड होती चली जाती है. और जब वो ऐड होते होते बड़ी हो जाती है तब हम एक स्टेट पर पहुँच जाते हैं, तब हम कामयाब कहलाने लगते हैं. तो आई होप कि आपको समझ में आई हुई ये बात. वीडियो के अंत तक बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, किसे कहते हैं. ओके गाइज, तो द वर्ब विच शोज दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट टाइम एंड इज कंटिन्यू एज द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. यानी कि क्रिया का वह रूप या वह काम जिससे यह पता चले कि कोई काम बीते समय में पास्ट टाइम में शुरू हुआ था और वो अभी भी जारी है, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है. अब जैसे मान लिया मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ. अब जो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि मेरे पढ़ने की क्रिया कब शुरू हुई थी, तो सुबह को शुरू हुई थी और अभी क्या है, वो जारी है. तो क्या कहता है हमारा डेफिनेशन? क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि कोई काम जो पिछले समय भूतकाल में पास्ट टाइम में शुरू हुआ है और वो अभी भी जारी है, लगातार है, कंटिन्यू है, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. है ना, वह 2 दिन से वहाँ जा रहा है. कहाँ, कब से जा रहा है? तो 2 दिन से जा रहा है. मतलब ये हुआ कि उसके वहाँ जाने की क्रिया 2 दिन पहले शुरू हुई थी और अभी भी वो वहाँ जा रहा है. मीन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, सीता गाती रही है. सीता गाती रही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सीता गा रही है नहीं है बल्कि गाती रही है. यहाँ पर ती रही लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है कि कब से गाती रही है. पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर या पीरियड ऑफ टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि सीता के गाने की क्रिया जो है वो कभी ना कभी शुरू हुई थी और अभी वो जारी है. क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा. सोनू सालों से गाता रहा है. सोनू के गाने की क्रिया कब से शुरू हुई थी? सालों पहले शुरू हुई थी और वो भी क्या कर रहा है? वो गा ही रहा है. मीन्स वो काम जो पिछले पास्ट टाइम में शुरू हुआ था अभी भी वो काम जारी है. सीता पिछले सोमवार से इंग्लिश सीख रही है. सीता की सीखने का काम जो है वो पिछले इंग्लिश सीखने का काम पिछले सोमवार को शुरू हुआ था और अभी भी वो जारी है. मीन्स वो काम जो बीते समय में शुरू हुआ और अभी भी वर्तमान समय में बोलते समय वो काम जारी हो, लगातार हो, उस काम को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. ओके, पहचान क्या है? तो हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हो, या फिर रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहे, और उसके पहले कोई भूतकालीन समय सूचक शब्द रहे. जी हाँ, भूतकालीन समय सूचक शब्द बोलते हैं वर्ड्स डिनोटिंग पास्ट टाइम. ऐसे शब्द जो बीते समय को बतलाते हैं, ऐसे शब्द जो बीते समय के बारे में बतलाते हैं, उस शब्द को हम भूतकालीन समय सूचक शब्द कहते हैं. तो क्या कहता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, या फिर रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो रहता है, और उसके पहले कोई भूतकालीन समय सूचक शब्द रहता है. जैसे मान लिया 2 दिन से, है ना, सुबह से, 1947 से, 2015 से, महीनों से, वर्षों से, घंटों से, सदियों से, 2012 से, ओके, पिछले सोमवार से, वगैरह वगैरह अगर रहता है तो उस वाक्य उस शब्द को बोलते हैं हम लोग भूतकालीन समय सूचक शब्द रहता है, तो वो वाक्य हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको हम समझेंगे. ओके, अब करते हैं, भूतकालीन समय सूचक शब्द 2 प्रकार के होते हैं.
कितने होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। ओके गाइज, भूतकालीन समय सूचक शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जिससे निश्चित समय का बोध होता है, जैसे मान लिया सुबह से क्या है निश्चित समय है, शाम से क्या है निश्चित समय है, 5 बजे से क्या है निश्चित समय है, 2012 से क्या है डेफिनेट टाइम है निश्चित समय है, पिछले महीने से क्या है निश्चित समय है, ऐसे वाक्य को हम क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। ऐसे वाक्यों के लिए हम सेंटेंस में सिंस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे वह 2018 से दिल्ली में रह रहा है, अब 2018 क्या है निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ऐसा समय है जिसके बारे में हमको डेफिनेटली पता है कि वो उस समय से हो रहा है, 2018 से दिल्ली में रह रहा है, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2018। ओके, सीता सोमवार से ये किताब पढ़ रही है, सीता हैज बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मंडे। अगला है पीरियड ऑफ टाइम, जिससे समय अवधि का पता चला, टाइम के ड्यूरेशन का पता चला कि वो टाइम कब से नहीं बल्कि कितने दिनों रहा, कितना समय रहा, उसको बोलते हैं ड्यूरेशन, उसको हम गिनते हैं। जैसे 2 दिन से क्या है ये ड्यूरेशन है, 10 साल से क्या है ये समय अवधि है, 2 घंटे से क्या है ये समय की अवधि है, महीनों से क्या है ये समय की अवधि है, सदियों से क्या है ये समय की अवधि है। यहाँ जैसे ऐसे वाक्यों के लिए हम सेंटेंस में 4 प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, डेफिनेट टाइम नहीं है, निश्चित समय नहीं है कि 2012 से या 2014 से, बल्कि मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, ये 5 साल क्या है ड्यूरेशन है, अवधि है, क्या रहेगा, आई हैव बीन टीचिंग 4-5 ईयर्स। यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, 4 का प्रयोग हुआ, ठीक है। सीता 2 घंटे से सो रही है, अब सीता हैज बीन स्लीपिंग 4-2 आवर्स, 2 घंटे से सो रही है। ओके ओके गाइज, यहाँ पर हमने सिंस को और फोर को ईजी वे में समझा दिया है ताकि आपको आसानी हो, दिक्कत नहीं हो, है ना। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा वो देख लेते हैं। सिंस का प्रयोग नेम ऑफ डेज के लिए करते हैं, जैसे मंडे ट्यूजडे वेंसडे, ओके पिछले। नेम ऑफ मंथ्स के लिए करते हैं, सिंस जनवरी सिंस फेब्रुवरी, ओके। नेम ऑफ ईयर्स के लिए करते हैं, सिंस 2012 2015 2010 वगैरह वगैरह। सिंस का प्रयोग पार्ट्स ऑफ द डे के लिए करते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग सिंस इवनिंग सिंस नाइट। उसके बाद क्लॉक के लिए करते हैं, है ना, 2 o'clock 3 o'clock 12 o'clock AM और PM के लिए भी करते हैं। सिंस का प्रयोग नेम ऑफ फेस्टिवल्स के लिए करते हैं, सिंस ईद सिंस दुर्गा पूजा सिंस दीपावली, ओके। नेम ऑफ इवेंट्स के लिए भी करते हैं, जैसे सिंस मैरिज सिंस हिज बर्थडे, ओके। उसके बाद सिंस का प्रयोग यस्टरडे लास्ट वीक लास्ट मंथ सिंस यस्टरडे सिंस लास्ट वीक सिंस लास्ट मंथ सिंस लास्ट ईयर के लिए भी करते हैं। नेम ऑफ सीजन्स के लिए भी करते हैं, है ना, सिंस स्प्रिंग सिंस विंटर सिंस समर वगैरह वगैरह के लिए। फोर का प्रयोग यहाँ पर करते हैं बेसिकली नंबर में, जैसे मान लिया फॉर 2 डेज फॉर 3 डेज फॉर 4 डेज फोर मंथ्स फॉर 3 मंथ्स फॉर 4 मंथ्स फॉर 6 मंथ्स फॉर ईयर्स फॉर वीक्स फॉर आवर्स फॉर मिनट्स फॉर डिकेड्स, डिकेड्स बोलते हैं दशक को, 10 साल की अवधि को बोलते हैं डिकेड्स, फॉर सेंचुरीज यानी कि शताब्दी को बोलते हैं, 100 साल की अवधि को बोलते हैं सेंचुरी, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय से, फॉर अ वाइल एक पल के लिए, फॉर अ मोमेंट, है ना। पर आप आसानी से समझ पाएंगे कि फोर का प्रयोग कहाँ पर करना है और सिंस का प्रयोग कहाँ पर करना है और फोर का प्रयोग कहाँ पर करना है। ओके, अब हम बात करेंगे कि इसको हम बनाएंगे कैसे, इसका रूल एंड स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके चल, ओके गाइज, अब बात कर लेते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में हैव या हैज के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बीन का प्रयोग किया जाता है। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। कब से खेल रहा हूँ? मैं सुबह से खेल रहा हूँ, ठीक है। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वह सिंस इवनिंग, वह शाम से सो रहा है। ओके, अब नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट, हैव या हैज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जाता है। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट। रामू हैज नॉट बीन वीपिंग फॉर 10 मिनट्स, रामू 10 मिनट से नहीं रो रहा है। अब क्या है ये? पॉइंट ऑफ टाइम है, नहीं ना, समय अवधि है,
पीरियड है, ओके। तो रामू 10 मिनट से क्या कर रहा है, रो रहा है। तो रामू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, हैज का। रामू हैज नॉट बीन वीपिंग फॉर 10 मिनट्स, यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या लगा, फॉर लगा, ओके। यू हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटों से नहीं पढ़ रहे हो। उसके बाद इस स्ट्रक्चर को देख लेंगे जिसमें हमने पर्सन दिया है और नंबर दिया है। पर्सन आप सब जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, लिस्टनर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, जिसके बारे में हम बात करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग थर्ड पर्सन, ओके। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। एक व्यक्ति या वस्तु को बोलते हैं एक वचन, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु को बोलते हैं हम लोग बहुवचन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ सिंस मॉर्निंग, सुबह से। वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 आवर्स, हम लोग उसका 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन, यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, तुम 2 घंटे से सो रहे हो। और सेकंड पर्सन प्लुरल नंबर में, यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तुम लोग लंबे समय से सो रहे हो, ओके। थर्ड पर्सन में आते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही हैज बीन, अब यहाँ पर ही के साथ हैज का प्रयोग किया गया, शी के साथ हैज का प्रयोग किया गया, इट के साथ हैज का लगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर किसी भी नाम के साथ हैज लगेगा। तो पता ये चला कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हम हैज का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी सेंटेंसेस के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ही हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गाता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ये है कि यहाँ पर सिंगिंग अ सॉन्ग के बाद पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हैज बीन का प्रयोग किया गया है, तो भी ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब इसकी हिंदी क्या होगा, ही हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गाता रहा है, गा रहा है नहीं बल्कि क्या होगा, गाता रहा है। शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती रही है, ओके। दे हैव बीन ईटिंग फूड, वो लोग खाना खाते रहे हैं, यहाँ पर भी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग नहीं है, यानी कि कब से खाते रहे ये नहीं है, यहाँ पर कब से गाते रहे वो नहीं है, तो वहाँ पर हम सिंस या फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन ये वाक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, ओके। चलिए अब हम चलते हैं इसके इंटरोगेटिव में और इसके इंटरोगेटिव, ओके। अब हम बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि ऐसा वाक्य जिससे हम सवाल पूछते हैं, जिससे हम प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड, और एक होता है WH वर्ड। क्या होता है WH वर्ड? क्वेश्चन वर्ड उसे बोलते हैं जो क्या शब्द से शुरू होता है, हिंदी के क्या शब्द से जो प्रश्न शुरू होता है उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, और वो प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में देते हैं। WH वर्ड वो होता है जिसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं देते हैं, और वो हिंदी के क्या शब्द से शुरू भी नहीं होता है बल्कि नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है, ओके। देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड में है हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में हैव या हैज, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस सब्जेक्ट, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नेगेटिव मिलेगा प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है हैव यू बीन ईटिंग फूड ईटिंग फॉर हाफ एन आवर, क्या तुम आधे घंटे से खा रहे हो, किससे खा रहे हो, आधे घंटे से। किसका यहाँ पर जिक्र हो रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम का या पीरियड ऑफ टाइम का, पीरियड ऑफ टाइम का, किसका हो रहा है, समय अवधि का हो रहा है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम, फोर का प्रयोग करेंगे। हैज ही नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, क्या वो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है, क्या वो एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर फोर का प्रयोग किया गया है, तो फोर का प्रयोग यहाँ पर हम एग्जाम के लिए कहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम को बतलाने के लिए हम यहाँ पर नहीं किए हैं, बल्कि यहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ है एग्जाम के लिए, क्या वह परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा है, क्या सही होगा, नहीं, क्या वह एग्जाम की तैयारी नहीं करता रहा है होगा, क्या होगा, हैज़ ही नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम या हैज़ ही नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, क्या वह परीक्षा की तैयारी नहीं करता रहा है, कर रहा है, नहीं होगा। और यहाँ पर फोर का प्रयोग किसी भी पीरियड ऑफ टाइम को, समय अवधि को दर्शाने के लिए नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर कोई समय है ही नहीं, ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड में चलते हैं, रूल है इसका WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, इसका नेगेटिव है WH प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आएंगे प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। रूल एग्जांपल है व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे हो, कब से क्या कर रहे हो,
सुबह से क्या कर रहे हो, सुबह पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। Why has she not been working hard? क्या वह कड़ी मेहनत क्यों नहीं करती रही है? अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसका हिंदी होगा वह सुबह सॉरी कड़ी मेहनत क्यों नहीं करती रही है होगा। ओके गाइज, ध्यान से देखिए, मैंने पिछले वीडियो की तरह इसमें भी आपसे एक छोटा सा टेस्ट लिया है आपका, आप इसको सही से पढ़िए और इसका ट्रांसलेशन हमको जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बना करके बताइए। सबसे पहला सेंटेंस है, मैं दो दिन से इंग्लिश सीख रहा हूँ, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? अगला है, सोनू पिछले शनिवार से वहाँ जा रहा है। तीसरा है, हम लोग सालों से यहाँ रह रहे हैं। नेक्स्ट है, तुम कल से पढ़ने नहीं जा रहे हो। नेक्स्ट है, क्या लता 10 साल से गाना गा रही है? नेक्स्ट है, क्या तुम लंबे समय से अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हो? बर्बाद का होता है स्पॉइल, क्या होता है spoil, है ना, या वेस्ट। क्या तुम लंबे समय से अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हो? वह पिछले सप्ताह से कहाँ जा रहा है? ठीक है, ये एक सेक्शन हो गया। अगला है, आई हैव बीन प्लेइंग अ गेम। अब यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे या टू लगाएंगे, ये आपको लगा करके बतलाना है। ओके, सिर्फ आप यहाँ पर पॉइंट टू करके सिंस या फोर लगा देंगे तो भी मैं समझ जाऊँगा। She has been singing a song, है ना, यहाँ पर भी लगाना है since या for, आपको क्या लगाना है यहाँ पर लगा करके मुझको जल्दी से बताइए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, जितने भी वीडियोज़ हैं मेरे उसको पूरा देखिए। ओके।